उत्तर प्रदेश में जैसी जैसी विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, सभी दल खुद को खास दिखाने की कोशिश में लग गए हैं। बीएसपी एक तरफ प्रबुद्ध सम्मेलन करके ब्राह्मणों को रिझाने का प्रयास कर रही है, तो दूसरी बार उसने बड़ा ऐलान यह किया है कि इस बार किसी भी बाहुबली या माफिया को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाएगा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को भी इस बार भाजपा से टिकट नहीं मिलेगा। मायावती के बयान के बाद मुख्तार अंसारी ने भी पलटवार किया है। अंसारी ने कहा, राजनीतिक पार्टियां शायद मेरी ताकत नहीं जानती। उन्होंने एक तरह से मायावती को चुनौती दी है। अंसारी ने ट्वीट में कहा कि वह किसी पार्टी पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा, जनता ने कुल 5 बार विधायक बनाया, 2 बार निर्दल उम्मीदवार के रूप में आने पर भी विधायक चुना, जेल में रहकर भी भारी मतों से विजयी बनाया। हमारी ताकत कोई सियासी पार्टी नहीं, हमारी जनता है जो हमारी है और हम जनता के हैं। बता दें कि मऊ विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी रिकॉर्ड 5 बार विधायक रह चुके हैं। इस बार मायावती ने उनका टिकट काट कर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भीम राजभर को अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने उन्हें खुला ऑफर दिया। पार्टी के यूपी चीफ ने कहा कि जब तक अंसारी सजायाप्त नहीं है तब तक उन्हें अपराधी नहीं माना जा सकता। उन्होंने भाजपा नेताओं पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि उनके 37% विधायकों पर आपराधिक मामले हैं। AIMIM के बाद अब ओपी राजभर ने भी अंसारी को ऑफर दिया है। उन्होंने कहा कि अंसारी गरीबों के मसीहा हैं। उन्होंने कहा कि अगर मुख्तार चाहेंगे तो उन्हें मन मुताबिक सीट पर टिकट दिया जाएगा। बता दें कि राजभर बसपा के पहले सहयोगी थे, लेकिन इस बार वह उत्तर प्रदेश में अकेले लड़ने की योजना बना रहे हैं। बीते दिनों ओबैसी और उनके साथ पर भी चर्चा हो रही। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।